नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवांशु और आप देख रहे हैं परिहार सॉफ्ट। तो यहाँ पे हाल ही में डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन जो NIOS की तरफ से प्रोग्राम चल रहा है, तो उस प्रोग्राम के यहाँ पे अभी हाल ही में रिजल्ट आए हैं। आपको उसका वीडियो ही बना के हमने अपने यूट्यूब चैनल में डाला था, शायद आपने देखा होगा। तो ऐसा हुआ है कि बहुत सारे स्टूडेंट ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मैं इस सब्जेक्ट में पास हो जाऊँगा, लेकिन उस सब्जेक्ट में उनका SYCT हो गया या किसी कारण यहाँ पे बैक लग गया, आप उस सब्जेक्ट को पास नहीं कर पाए। तो यहाँ पे मैं आपको बताऊँगा कि कैसे आप NIOS का जो डीलेड है, डीलेड की आप रीचेकिंग करवा सकते हैं। मैं यहाँ पे डीलेड बस की नहीं बात करूँगा, यहाँ पे मैं ब्रिज कोर्स की भी बात करूँगा, क्योंकि यहाँ पे ब्रिज कोर्स भी आने वाला है। तो ब्रिज कोर्स में जो आपके एग्ज़ाम देंगे, एग्ज़ाम देने के बाद शायद आपको डाउट रहेगा कि मैंने इतना लिखा है और मेरे को लिखने के हिसाब से मेरे को नंबर नहीं मिले हैं, तो आप वहाँ पे अपना रीचेकिंग या रीएवेल्यूशन करवा सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यदि सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी की बात करूँ, तो यहाँ पे सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी के लिए यहाँ पे ऑफिशियल नोटिफिकेशन आती है, आप वेबसाइट से अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे कुछ प्रोस्पेक्टिव जो उसके साथ मिलता है, उसके हिसाब से यहाँ पे यह दिया गया है कि आपको क्या क्या करना होगा, किन किन बातों को आपको ध्यान में रखना होगा, इन सभी बातों का यहाँ पे उस जो हैंडबुक है, हैंडबुक में पूरा दिया गया है। तो चलिए मैं हैंडबुक में आपको ले चलता हूँ और उस हैंडबुक में लिखाऊंगा कि री एवोल्यूशन के लिए क्या प्रोसीजर है, प्रोसीजर यहाँ पे दिया गया है रीचेकिंग दोनों के लिए। तो जैसे आप ब्रिज कोर्स या डीलेट दोनों के लिए मैं बात कर रहा हूँ, तो देखिए जैसे उस PDF में मैं यहाँ पे जा रहा हूँ, यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि उत्तर पुस्तिका का पुनः प्रशिक्षण सॉरी परीक्षण एवं पुनर्मूल्यांकन। तो यहाँ पे यह लिखा है कि यदि आप किसी सार्वजनिक परीक्षा में सम्मिलित हुए हैं और आप अपने परिणाम से संतुष्ट नहीं हैं, तो राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान आपको अपनी उत्तर पुस्तिका के पुनः परीक्षण का अवसर प्रदान करता है, जिसमें अंकों को पुनः जोड़ा जाता है और यह सुनिश्चित किया जाता है कि कोई प्रश्न बिना मूल्यांकन के रह ना गया हो। याद रखें कि पुनः परीक्षण के दौरान जवाब में पुनर्मूल्यांकित नहीं किया जाता है। परीक्षा परिणाम का घोषणा की तिथि से 30 दिन के भीतर आप किसी भी विषय की उत्तर पुस्तिका के पुनः प्रशिक्षण के लिए आवेदन कर सकते हैं। उत्तर पुस्तिका में पुनः परीक्षण के लिए आवेदन सादे कागज पर या निर्धारित प्रारूप पर, जो कि पृष्ठ 5 एवं 6 में दिया गया है, सर्वद अध्ययन केंद्र समन्वयक को किया जा सकता है। आपको निर्धारित शुल्क ₹200 प्रतिवर्षीय राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान के बैंक ड्राफ्ट के रूप में अदा करना पड़ेगा, जो कि सचिव NIS के नाम से संबद्ध क्षेत्रीय कार्यालय पर देय होगा। आपका आवेदन मिलने में 45 दिनों के अंदर पुनः परीक्षण का कार्य पूर्ण हो जाएगा, तथापि उत्तर पुस्तिका आपको या किसी अन्य को किसी भी परिस्थिति में नहीं दिखाई जाएगी। तो यहाँ पर सूचना यह है कि पुनः परीक्षण एवं पुनः मूल्यांकन के बाद संशोधित घटा या बढ़ा के अंक ही अंतिम रूप मान्य होगा। तो यहाँ पे इन सभी बातों का आपको ध्यान रखना है, जब भी आप अपने उत्तर पुस्तिका का पुनः मूल्यांकन करा रहे हैं, तो इन सब बातों को ध्यान रखते हुए आपको अपनी उत्तर पुस्तिका का पुनः मूल्यांकन कराना है। यहाँ पे आप रीचेकिंग के लिए डाल रहे हैं या कि फिर से कॉपी जांचने के लिए डाल रहे हैं, तो इन सभी बातों का ध्यान रखना होगा। और यहाँ पे इस PDF का मैं लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहाँ के थ्रू आप डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको फॉर्म भी दिखा देता हूँ कि ये जो यहाँ पे फॉर्म है, कौन सा फॉर्म यहाँ पे आपको फिल करना है और उसके लिए क्या रूल्स और रेगुलेशन आपको यहाँ पे फॉलो करना होगा। तो देखिए मैं आपको यहाँ पे फॉर्म पे ले जाता हूँ। तो पुनः प्रशिक्षण का ये फॉर्म है और ये जो है आपका फॉर्म, यहाँ पे सभी फॉर्म दिए गए हैं, तो उन सभी फॉर्म को यहाँ पे मैं ढूंढ के आपको दिखा रहा हूँ कि आपको जो फॉर्म आपको यहाँ पे फिल करना है वो फॉर्म कौन सा है। यहाँ पे हाँ, ये देखिए रिवॉल्यूशन का फॉर्म ए है, आपकी स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। तो यहाँ पे यह है कि फॉर्म फॉर एप्लीकेशन फॉर रिवॉल्यूशन ऑफ आंसर स्क्रिप्ट ऑफ डीलेट एग्जामिनेशन। तो यहाँ पे देखिए, ये इस फॉर्म को आपको यहाँ पे फिल करना होगा और इस फॉर्म को फिल करने के बाद ये देखिए परिशिष्ट 6 है और इसके ऊपर जो है ये परिशिष्ट 5 होगा। तो ये 5 और 6 इन दोनों को ये पुनः परीक्षण के लिए है और ये है रिवॉल्यूशन आपका कॉपी द्वारा चेक करने के लिए। तो आपको यही फॉर्म फिल करके वहाँ पे NIOS के पास सेंड करना होगा। आपको ये फॉर्म को आपको अपने ही नियर बाई स्टडी सेंटर में जहाँ पे आप थे वहाँ पे आपको करना होगा। आप इसे पोस्ट के थ्रू आपको डीलेट के स्टडी सेंटर के थ्रू यहाँ पे NIOS को भेजा जाएगा, जिसके चलते यहाँ पे आपको
उसका जो जो भी वहाँ पे समाधान होगा, जो भी वहाँ पे होगा, आपको 45 दिन के अंदर मिल जाएगा। तो ये कुछ इस तरह से चलते आप यहाँ पे डीलेट का जो रिवॉल्यूशन है उसको फिल कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को